हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, अगर आप काम के तलाश में दुबई जा रहे हो विजिट वीसा में, तो दोस्तों मत जाना, क्योंकि अगर आप दुबई जाते हो विजिट वीसा में तो आप बुरी तरह से फंस सकते हो दुबई के अंदर। खास करके जो इंडिया और नेपाल से जो जाते हैं विजिट वीसा पर दुबई में, और उधर जो सोचते हैं कि मैं विजिट वीसा में जाके दुबई के अंदर कंपनी खोज के काम करूँगा, नए कंपनी में कुछ अच्छा कंपनी में जाके काम चेंज कर लूँगा, तो दोस्तों वो सबके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचते हो और जाते हो दुबई, तो आपका लाइफ पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि आखिर आप एजेंट के थ्रू अगर विजिट वीसा में जाते हो और आपको एजेंट बोलता हो कि मैं दुबई जाके आपको काम लगा दूंगा, उधर आपको सेटिंग करा के मैं अच्छे कंपनी में डाल दूंगा, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको मैं पूरी बात बताने वाला हूँ कि आखिर दुबई ले जाके जो एजेंट सब है आखिर क्या करता है, उधर जाके आपको कैसा हालत में डाल सकता है, ये पूरी बात इस वीडियो में हम आज आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, जितना भी जो हमारा जो YouTube में जो फ्रेंड है जो इंडिया से है, नेपाल से है, दोस्तों खास करके आप लोग ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि ये जो फंसने का जितने भी जो बंदा है जो दुबई जाके जो ऑलरेडी फंस चुका है, ऑलरेडी उधर जो रो रहे हैं दुबई के अंदर विजिट वीसा में जा करके, खास करके वो नेपाल से है और इंडिया से है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और आप सब हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल घंटी को भी दबाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ कि जितने भी दोस्त जो हमारा इंडिया से है और नेपाल से है, वो लोग क्या करता है विजिट वीसा में दुबई जाते हैं। आपको बता दूं कि ऐसे 100 में 10% आदमी ऐसा है कि वो खुद से अपना विजिट वीसा अप्लाई करके जाता है और वो लोग नहीं फंसता है, पर 90% दोस्तों अभी भी है जो एजेंट के थ्रू जाता है विजिट वीसा में दुबई काम करने के लिए, और उधर वो लोग का प्लानिंग होता है कि उधर जाके मैं अच्छे कंपनी में चला जाऊंगा, अच्छे पोजीशन में रहूंगा, ऐसा वो लोग का सोचता है, अच्छे सैलरी भी मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, जो एजेंट है आपसे बहुत बड़ा पैसा असूली भी करता है। खास करके आपको बता दूँ कि नेपाल का ऐसा केस आया है दोस्तों कि नेपाल का 2 लाख से 3 लाख रुपीज लेकर के दुबई लेके गया है दोस्तों विजिट वीसा में, और उधर जाके अभी तक जो 3 महीना उसको बोला था काम लगाने का समय, अभी वो लोगों को 1 साल हो गया, अभी तक काम नहीं लगाया है, और एक ही रूम में 40-50 आदमी को डाल के रखा है, खाना भी एक टाइम खिलाता है, और वो लोग का हालत बहुत ही बुरा हो गया है दोस्तों। आपको बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे जो दलाल सब है, जो एजेंट सब है, दुबई ले जा करके बहुत सारे आदमी को फंसाया है। एक ऐसा भी न्यूज़ आया है कि उधर इंडिया का आदमी है और उसमें 3 ही आदमी सिर्फ बांग्लादेश का है, बाकी सब इंडिया और नेपाल का है। जो 3 रूम है और 3 रूम में कम से कम 100 आदमी से ज़्यादा है, सबको विजिट वीसा में लाया गया है, और 6 महीना से ज़्यादा हो गया अभी तक वो लोगों को काम नहीं लगवाया है, और जो एजेंट है वो गायब हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप को कोई जो रिलेटेड नहीं है दुबई के अंदर, जैसे आपका कोई रिलेशन में नहीं पड़ता है, कोई हेल्प करने वाला दुबई के अंदर नहीं है, तो दोस्तों आप लोग विजिट वीसा में मत जाइए, वो भी एजेंट के थ्रू। अगर आपको जाना ही है तो खुद से अप्लाई करें, क्योंकि आपको बताते हैं कि अगर आप दुबई जाते हैं विजिट वीसा में तो मैक्सिमम आपका टिकट जो होता है, जो डॉलर शो करना पड़ता है, सब खर्च आपको मिनिमम ₹50,000 के आसपास पड़ेगा दोस्तों। पर एजेंट लोग 2 लाख से 3 लाख वसूली करता है दोस्तों, पर हम लोग क्या करते हैं, देने के लिए तैयार हो जाता है, खुद का जो रिक्स लेते हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप जाते हो 2 लाख से 3 लाख लगाते हो, तो पहले दोस्तों आपको पता लगाना चाहिए कि कितना खर्च होता है, विजिट वीसा में जाकर हमको काम मिलेगा कि नहीं, वो सब सोच करके आपको जाना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप विजिट वीसा में जाते हो तो बहुत ही सोच के दोस्तों, और अगर आपका एजेंट आपको बोलते हैं कि मैं 2 महीना में काम लगा दूंगा, 1 महीना में काम लगा दूंगा, तो दोस्तों उस पर बिलीव नहीं करना है, आपका खुद पे बिलीव करना है। और दोस्तों, ये जो
विजिट वीसा में सबको लेके जाता है काम लगाने के सिलसिले में, तो ऐसा नहीं जाना है दोस्तों। आपको खुद कंपनी में इंटरव्यू दे के, अच्छे कंपनी में इंटरव्यू दे के आपको जाना है दोस्तों, अगर आपको मन है दुबई जाने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें दोस्तों, और वो लोग को बोले कि दुबई विजिट वीसा में नहीं जाने के लिए दोस्तों। खास करके इस वीडियो बनाने का अर्थ है दोस्तों कि जो इंडिया और नेपाल से जो जाता है दोस्तों, बहुत ही ऐसे फ्रेंड है जो उधर फंस चुका है दोस्तों, और अभी तक वो लोग को काम नहीं मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, फैलाइए अपने फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ, और वो लोगों को भी अलर्ट करें कि दुबई विजिट वीसा में नहीं जाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।